इंशाल्लाह लिखा हुआ है ना पैदल हज के लिए, क्योंकि इनको कोई मसला रास्ते में ना बने, आदमियों को पता चल जाए पहले से। यार तो पाकिस्तान से ईरान जाएंगे, बाद इराक, फिर कुवैत। 11 अगस्त को वीवर घर से निकले हैं, जिला खानेवाल। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे जी? ठीक है था वीवर, मैं हूँ गुलाम कासिम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीवर आज के व्लॉग को करते हैं शुरू। तो वीवर अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने व्लॉग आज सुबह से शुरू कर दिया है, तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। मैं आपको सुबह सुबह का माहौल दिखा देता हूँ वीवर, ये चेक करें, ये वीवर सूरज निकल चुका है और ये हमारा घास है, और ये मौसम चेक करें वीवर। आज मुझे ना अभी ना ख़बर मिली है कि हमारे इलाके के साथ ना कुछ आदमी ना 4 से 5 आदमी पैदल हज के लिए जा रहे हैं 2024 के लिए। तो वो रास्ते में जा रहे होंगे, रोड पर कहीं भी हमें मिलेंगे इंशाल्लाह, तो हम जाते हैं उनके पीछे और जहां भी मिलेंगे हम आपको दिखाएंगे। आपने रहने आज वाले व्लॉग के साथ, आज वाला व्लॉग व्यूअर मैं कहता हूँ कि जितने मेरे व्लॉग हैं ना उन सबसे टॉप वाला व्लॉग होने वाला है। तो अभी अभी चलते हैं, क्योंकि चले ना जाए आगे, क्योंकि उन्होंने व्यूअर पैदल हज पर जा रहे हैं 2024 के लिए। अब 2023 है ना, उन्होंने 2024 में पहुँचना है। अब हमारे इलाके से गुजर रहे हैं, मुकम्मल बात उनसे पूछेंगे और जो जो बात होगी वो आपको बताएंगे। आपने रहना है व्लॉग के साथ। तो वीवर हम घर से निकल चुके हैं, मेरे साथ एक कज़न है और हम यहाँ से जा रहे हैं उनके पीछे। वीवर अभी तक हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसी रोड पर हैं, आगे मेन रोड है और चांदनी चौक वाले रोड पर हैं। तो हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, कहीं भी हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। हमने जाना उनके पीछे, जितना सफ़र भी आज हमें करना पड़ा हम उनके पीछे पीछे हैं। आज वीवर हम चांदनी चौक पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें नहीं मिले। अब चलते हैं उसके कुछ आगे, कहीं तो मिलेंगे हमें। तो व्यूअर हमें फाइनली मिल चुके हैं, वो आगे जा रहे हैं। करीब जाकर दिखाते हैं और आपकी मुलाकात भी कराते हैं। आप रहना है साथ। ये देखें व्यूअर, ये खड़े हैं, इनको किसी आदमी ने रोक लिया है वो मिलने के लिए। ये मेरे हैं, इनके साथ आदमी दे नहीं। ये बकरे मत देनी यार भाई जनाब। अलहमद कब पहुँचना है वहाँ? 2024। अब 2023 है, 2024 में पहुँचना, 2024 वाली हज इन्होंने मक्का मुकरमा। आपका नाम क्या है जी? नासिर अब्बास। नासिर अब्बास, और आपका जी? नजर अब्बास। अच्छा, ये इनके पास पाकिस्तान का झंडा है, क्योंकि पाकिस्तान से जा रहे हैं। दो आदमी ये हैं, और वो कितने आदमी हैं जी? तीन। पाँच आदमियों का काबला जा रहा है, पाँच आदमी ये जा रहे हैं इनके दूर के, और ये एक आदमी है और वो आ रहे हैं। हम उनके साथ भी आपकी मुलाकात कराते हैं। मियाँ वाली है, मियाँ वाली से जाएंगे आगे। और रास्ता आपका कौन सा होगा जी? जी रास्ता किस तरह? मियाली दो डेरस मेरे था। अच्छा, क्वेटा। क्वेटा ईरान, इराक और कुवैत। तो वीवर जो पाकिस्तान से ईरान जाएंगे, बाद इराक, फिर कुवैत, बाद सऊदी अरब और मक्का मुकर्रमा। इस तरीके से इनका ये है। एक दिन में कितना सफ़र करते हो? 20 से 25। अच्छा, डेली। फिर तो ठीक है। 11 अगस्त को वीवर घर से निकले हैं, कबीर वाला से, ज़िला खानेवाल। और ये इनके पास पाकिस्तान का झंडा है, और ये भी इनके पास है जो लिखा हुआ है ना पैदल हज के लिए, क्योंकि इनको कोई मसला रास्ते में ना बने, आदमियों को पता चल जाए पहले से। ये चेक करें वीवर, कब पहुंचोगे इंशाल्लाह, के कौन से महीने में? 8.5 महीने लग गए थे। अच्छा, और आपके साथ कोई मसला तो रास्ते में नहीं बना? अच्छा, आवाम आपके साथ तावन करती है जी? अगर आपका नंबर देना हो किसी के लिए, अगर कोई मदद करना चाहता है, आप उनकी मदद करना चाहते हैं, नंबर हम आपका दे सकते हैं। किसी एक आदमी का दे दोगे फिर हम आगे। अभी बार आप चांदनी चौक के साथ पहुँचे, हम इनके पास पीछे आके मिले हैं इनसे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा ना, मैं पिछले 3 आदमी जा रहे थे ना उनके लिए, मेरा रब्ता हुआ था लेकिन वो मुझसे दूर हो गए थे, मैं मिल नहीं सका था, लेकिन इनके साथ मिला, वो आ रहे हैं उनके साथ मिलते हैं। ये एक ही काफिला है, ज़िला खानवाल से जा रहे हैं और आप चांदनी चौक पर पहुँच चुके हैं। वीवर ये लोग इनके साथ मिलने आ रहे हैं यहाँ पर, ये चेक करें, और वो आ रहे हैं मौलाना पे मोबाइल फोन। मौलाना में से
कोई अगर मसला मसाइल होता है और अगर कोई मदद करना चाहते हैं आपकी तो वो उसके लिए कोई आदमी एक नंबर दे दे 0307 0307 758 89 143 143। मुला आप टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हमारे हम इनके साथ मिले बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब हम इनके पीछे जाते हैं वहाँ और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ना रास्ते की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो जा रहे हैं वीवर, अब वीवर चांदनी चौक से निकल चुके हैं और इन्होंने जाना है मियाँ वाली और मियाँ वाली से आगे, और मैंने इनसे नंबर भी लिया है अगर कोई आदमी इनकी मदद करना चाहे, क्योंकि मुसाफिर है और पैदल हज के लिए जा रहे हैं बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर, तो आपने दुआ भी करनी है और अगर कोई मदद करना चाहे तो मैं नंबर दे दूँगा उसके सामने बुलाकर। अभी बार हम यहाँ खड़े हैं रास्ते में वहाँ से आ रहे हैं और हम आपको दोबारा उनके शॉट दिखाएंगे कि कैसे चलते हैं, और हम कुछ उनके साथ चलेंगे और दुआ करें इनके हक में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र करने इन्होंने भी बार 2024 में पहुँचने हज पर, अब 2023 अगस्त का महीना है। तो मैं और मेरा कज़न आए थे इनके साथ मिलने, ये हमारे पास बाइक है ये चेक करें, और अब वो आ रहे हैं इस तरफ से भी बार और मियाँ वाली से आगे जाएँगे